हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुगर। और आज हम एक करंट के टॉपिक के साथ यहां पर आए हुए हैं। सामने लिखा हुआ है 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020, ठीक है, यानी पिछले वर्ष 91 क्रम के दिए गए थे, इस बार हाल ही में ये 92 क्रम के पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जिनका नाम है। और देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा पहले हम क्या इतिहास जानेंगे कि ये क्यों दिए जाते हैं और कब से इनकी शुरुआत हुई है और इनके बारे में कुछ विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस वर्ष के ये पुरस्कार कितने लोगों को, किस फिल्म को या किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को दिए गए हैं, ठीक है। इतिहास इनके बारे में जानते हैं। तो इनकी जो शुरुआत है वो 16 मई 1929 को हुई, यानी जो इनका पहला समारोह है ऑस्कर का वो 16 मई 1929 को हुआ था। और ये दिए किसके दिए जाते हैं, एक एकेडमी है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। और ये है कहाँ पर, ये अमेरिका में है और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्थित है और वहां का एक है हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर, ठीक है, इसके द्वारा वहां दिए जाते हैं। और वहां पर एक बना हुआ है डॉल्बी थिएटर, इस डॉल्बी थिएटर में ही उनका प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है और वहां पर ही इन सारे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो देख लेते हैं डॉल्बी थिएटर में, ठीक है, कहां पर, लॉस एंजलिस। ये देखिए लॉस एंजलिस जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे समझिए कि जैसे अपने भारत में, इंडिया में जो मुंबई है यानी हॉलीवुड का केंद्र जिसको हम कहते हैं, सॉरी बॉलीवुड, ठीक है, जो इंडिया में मुंबई है उसे हम बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड का केंद्र, ठीक है। इसी प्रकार से जो अमेरिका में हॉलीवुड है वो हॉलीवुड इस लॉस एंजलिस शहर में स्थित है, ठीक है। जैसे कि यहां पर मुंबई, वैसे अमेरिका में क्या है, लॉस एंजलिस, ठीक है। तो इसको अमेरिका का हॉलीवुड कहा जाता है और सारी जो फिल्में वगैरह मूवी वगैरह है वो लॉस एंजलिस में ही बनाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर एक सेंटर इसका नाम है हॉलीवुड एंड हाईलाइट सेंटर और सेंटर के डॉल्बी थिएटर में इनका प्रोग्राम होता है और वहां प्रोग्राम होने के दौरान ही सभी लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन तो पहले हो जाते हैं, बाकी जो पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर किया जाता है। कौन देता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसकी थोड़ी प्रतिमा के बारे में जान लेते हैं कि जो आपने देखा होगा ऑस्कर पे प्रतिमा जो लगी रहती है, एक योद्धा रहता है उसमें जो है ट्रॉफी ले रहता है, हाथ में तलवार रहती है, ठीक है, उसमें होता क्या, देखिए जो उस प्रतिमा का आधार इस तरह बनी होती है ना, ठीक, कुछ आधार इस तरह का होता है ना, आपने देखा होगा मूर्ति में इस तरह, फिर इसके ऊपर एक स्टेचू बना होता है इस तरह का, ठीक है। तो जो आधार है वो काली धातु का बना होता है, ठीक है, एक धातु है इसको काली होती है उसका बना होता है और जो ऊपर का हिस्सा है वो स्टील मिश्रित ब्रिटेनियम धातु से बना होती है, धातु होती है इसमें स्टील मिक्स होता है और वो धातु होती है ब्रिटेनियम। तो जो ऊपर का हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये ब्रिटेनियम से बना होता है और इस पर यानी इस पर एक सोने की परत चढ़ाई जाती है इस पर, ठीक है, जो मूर्ति है इस पर एक सोने की परत चढ़ी होती है और जो योद्धा खड़ा रहता है उसके हाथ में तलवार होती है। जो योद्धा ध्यान गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो योद्धा है वो हाथ में तलवार ली है, ठीक है। और अगर प्रतिमा की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 13.5 इंच यानी कि 13.5 इंच के आसपास होती है और वजन की अगर बात की जाए तो 3.85 किलोग्राम, ठीक है, उसका वजन होता है, मतलब कि टोटल अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई इतनी है और वजन इसका इतना होता है। तो ये था पुरस्कृत के बारे में कि कौन देता है और कहां पर दिए जाते हैं, ठीक है, लॉस एंजलिस शहर में दिए जाते हैं जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ मुंबई में बॉलीवुड वैसे वहां पर हॉलीवुड है, ठीक है। देखिए तो इस बारे में जो सबसे अच्छी यानी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, क्या नाम है, पैरासाइट, ठीक है। और ये पहली ऐसी फिल्म है जो गैर अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ठीक है, ऑस्कर में अभी तक के इतिहास में जितनी फिल्में दी गई सारी फिल्में वो अंग्रेजी भाषा की थी, लेकिन पहली फिल्म है जो गैर अंग्रेजी भाषा की है और वो है कहाँ की, वो दक्षिण कोरिया की फिल्म है, ठीक है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और इस फिल्म का विषय क्या है, देखिए विषय है कि कोरिया में रहने वाले एक गरीब और उच्च वर्गीय परिवार की कहानी है, यानी इस फिल्म में एक गरीब परिवार और उच्च वर्गीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है जिसका नाम है पैरासाइट, दक्षिण कोरिया ये फिल्म है, पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार ये प्रश्न, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, याद रखिएगा,
कि ऑस्कर में जो सबसे अच्छी सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो पैरासाइट को है, और देश जरूर याद रखिएगा कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की वो फिल्म है, ठीक है, साउथ कोरिया की है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है, ये है वॉकिन फिनिक्स, ठीक है, और इनकी फिल्म का नाम है जोकर, ठीक है, इन जोकर को लिए इनके इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साथ में जो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ठीक है, ये भी देख लीजिए, सबसे सहायक अभिनेता, ठीक है, बहुत ही वहां के मशहूर एक्टर हैं जिनका नाम है ब्रैड पिट, ठीक है, ब्रैड पिट आपने उनकी फिल्में बहुत देखी होंगी, ठीक है। तो ब्रैड पिट को, चूंकि इनका नाम बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस कलाकार है वहां के, बहुत ही फेमस एक्टर है, तो इसलिए इनको सहायक अभिनेता का दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इम्पोर्टेंट काफी है। और इनकी फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, ठीक है, इस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन है, उनका नाम है रिनी जेलवेगर, रिनी जेलवेगर को दिया गया है, और इनकी फिल्म का नाम है जूडी, जूडी फिल्म के लिए, क्या नाम है, जूडी फिल्म के लिए रिनी जेलवेगर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, ये है लारा डर्न, ठीक, और इनकी फिल्म है मैरिज स्टोरी, ठीक है, मैरिज स्टोरी के लिए लारा डर्न को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं उनको पुरस्कार दिया गया है वांग जून हो, ठीक है, फिल्म का नाम है पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट को देखिए दो पुरस्कार मिले, एक तो इसके अलावा पैरासाइट को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी पैरासाइट को मिला है, निर्देशक का नाम क्या है, वांग जून हो, ठीक है। तो ये ऑस्कर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अभी जो भी हाल में आने वाली परीक्षाएं हैं, बीओ की परीक्षा है, आर ओ आर ओ की है, पीसीएच की परीक्षा, आईएएस की है, एनटीपीसी है, एसएससी परीक्षा आ रही है, रेलवे परीक्षा आ रही है, ठीक है, तो ये किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हो सके तो आप नोट भी कर लें, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ऑस्कर क्यों दिया जाता है, कब से शुरुआत हुई है, ठीक है, और क्रम इनका जरूर याद रखिएगा 92, ठीक है, 92 इनका संस्करण था ये 92 में पुरस्कार थे, ठीक है। ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।